हेलो एवरीवन, क्या आपको भी लगता है कि न्यूटन क्रेडल हमेशा के लिए चल सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे इस सवाल का जवाब, पर उससे पहले इस क्रेडल के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। ये मशहूर साइंटिस्ट न्यूटन ने 1960s में बनाया था। ये काफ़ी सिंपल सा दिखने वाला डिवाइस है जो लोगों को अपनी रिदमिक और पेंडुलम लाइक मोशन से आकर्षित करता है। अगर आप इस क्रेडल को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा इसमें एक सीरीज में मेटल बॉल सस्पेंडेड है एक फ्रेम पे, बिल्कुल सीधी लाइन में। अगर हम एक बॉल को लिफ्ट करके छोड़ते हैं तो वो स्विंग होकर अगली बॉल से टकराती है और इसी तरह वो लास्ट बॉल को मूव कर देती है, और इसी बीच हमारी बीच वाली बॉल्स बिल्कुल मोशनलेस नज़र आती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो स्पीड या वेलोसिटी कह लो पहली बॉल की होती है वो सेम लास्ट वाली बॉल की भी होती है। ये एक तरह का इंटरेस्टिंग चेन रिएक्शन है। अब बढ़ते हैं शुरुआत में ये सवाल के जवाब की तरफ। सबसे पहले तो एक ऑनगोइंग डिबेट है कि दिस क्रेडल वायलेट्स द टू लॉस। वन इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसका मतलब है कि एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं, बस दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और दूसरा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसका मतलब है किसी सिस्टम की मोमेंटम या गति कॉन्स्टेंट रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई नहीं होती। एक और गलतफहमी ये है कि जो आखिरी वाली बॉल है वो ज़्यादा ऊपर तक स्विंग करती है क्योंकि वो पहले वाली बॉल से एनर्जी प्राप्त कर लेती है। तो इन लॉस को और अच्छे से समझते हुए हम अपने जवाब तक पहुंच जाएंगे कि क्या ये क्रेडल हमेशा के लिए चल सकता है। देखिए, शुरुआत में जब हम उस बॉल को लिफ्ट करते हैं हम उसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा कर देते हैं, और जब उस बॉल को नीचे की तरफ रिलीज करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। जब ये बॉल लाइन में मौजूद अगली बॉल से टकराती है तब वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को उस बॉल को ट्रांसफ़र कर देती है, और इसी वजह से पहली बॉल रुक जाती है और जिस बॉल पर एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है वो मोशन में आ जाती है, और एक चेन रिएक्शन की तरह चलते रहता है जब तक कि एनर्जी आखिरी बॉल पर ट्रांसफ़र नहीं होती। जब ये एनर्जी आखिरी बॉल पर ट्रांसफ़र हो जाती है वो ऊपर की तरफ स्विंग करती है बिल्कुल सेम एनर्जी के साथ जो सबसे पहले वाले बॉल की थी। तो ये व्यवहार दर्शाता है कि हमारी टोटल एनर्जी पूरे सिस्टम में कंजर्व रहती है, बस वो दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है। जिसका मतलब है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक मिसकंसेप्शन बताया था, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी नहीं फॉलो होता, वो दूर हो गया है। अब समझते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कैसे फॉलो करता है। जैसा हम सब जानते हैं कि न्यूटन का तीसरा लॉ है, जिसका मतलब है हर एक्शन का अपना एक बराबर और अपोजिट रिएक्शन होता है। जब हमारी पहली बॉल दूसरी बॉल से टकराती है वो बॉल मूव करने लगती है, और इसी वक्त दूसरी बॉल हमारी पहली बॉल पर एक बराबर और अपोजिट फोर्स लगाती है जिसकी वजह से पहली बॉल स्टॉप हो जाती है। ये ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम या गति कह लो बिल्कुल चेन रिएक्शन की तरह होता है, जिसकी वजह से लास्ट वाली बॉल की स्विंगिंग स्पीड और पहली वाली बॉल की स्विंगिंग स्पीड सेम हो जाती है। अब आप सोच रहे हैं कि जब ये हर लॉ को फॉलो करता है तो ये हमेशा चलना चाहिए, पर नहीं, इस दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट मोशन में नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होता है। हमारे केस में मेटल बॉल्स के बीच में मौजूद एयर रेजिस्टेंस है, बॉल और बाकी मटेरियल का अपना इंटरनल फ्रिक्शन है, और जो ये हमारा कोलिजन है ये नॉन इलास्टिक इन नेचर है, जिसका मतलब है कि हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र या मोमेंटम ट्रांसफ़र 100% नहीं है, कुछ ना कुछ स्मॉल वैल्यू यहाँ वहाँ लॉस्ट हो जा रही है। इन सब रीजंस की वजह से कुछ टाइम बाद हमारा क्रेडल स्टॉप हो जाता है। तो उम्मीद आपको क्लियर होगा कि बेशक ये क्रेडल हमेशा नहीं चल सकता, भले ही लॉज ओबे हो रहे हो, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स का हिंड्रेंस उसके परफेक्ट मोशन को रोक रहा है। कमेंट में ज़रूर लिखें अपने डाउट को, और वीडियो कैसी लगी हमें बताएं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में न्यू एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। लाइक, फॉलो एंड शेयर करें हमारे चैनल को। गुड बाय।